कुत्ते के जैसे दिखने वाले ये जानवर जो कि कुत्ते से कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं और इसे हाइना या लगड़भग्गा के नाम से जाना जाता है और इसे खाने में सिर्फ मांस ही पसंद है, फिर चाहे वो मांस सड़ा गला ही क्यों ना हो। ये हड्डी से लेकर खुर तक सब खा जाते हैं और पूरी तरह से सफाया किए देते हैं, और जब इसे कहीं पे मांस या शिकार मिल जाता है तब ये हंसने लगता है। इन्हें तो सिर्फ पेट भर खाना चाहिए और इसीलिए ये किसी पर भी हमला कर देते हैं, और ये इतने खतरनाक होते हैं जहां दूसरे जानवर अपने शिकार को मारकर खाते हैं वहीं ये जानवर अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं और अपने शिकार को नोच नोच कर खाते हैं। जब तक इनके शिकार की मौत होती है ये उसे आधा खा चुके होते हैं। हाइना इतने खूंखार होते हैं ये शेर को भी नहीं छोड़ते और उसे भी नोचने की कोशिश करते हैं। और अगर बात करें इनकी फुर्ती की तो यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और अपने शिकार को दबोच लेता है। हाइना मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी एक दिलचस्प बात यह भी है, जब कोई हाइना अपने शिकार पर हमला करता है तो उसके मुंह द्वारा लगाई गई ताकत किसी भी जानवर की हड्डी को तोड़ सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक कमाल की बात यह भी है, जब हाइना किसी पर हमला करने वाला होता है तब हमले से पहले इसकी पूंछ सीधी हो जाती है। वैसे तो हाइना शेर के शिकार को चुराने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ज्यादा भूखे होने पर ये शेर को ही अपना शिकार बना लेते हैं। इनकी एक अनोखी बात ये भी है, जहां सभी जानवर अपने शिकार की गर्दन पर वार करके मार गिराते हैं और बाद में आराम से खाते हैं, वही हाइना हमेशा अपने शिकार पर पीछे से हमला करता है और शिकार को नोचना शुरू कर देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता इसका शिकार जिंदा है या मुर्दा, इन्हें तो मतलब है सिर्फ उसके मांस से। इनका शिकार चाहे कितने ही दर्द में क्यों ना हो ये फिर भी उसको नोचते ही रहते हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है हाइना कितने भयानक होते होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हिप्पो जैसे बड़े शिकारी को भी झुंड में रहकर अपना शिकार बना लेते हैं, तो फिर इनके सामने हिरन या भैंस क्या चीज है। अगर गलती से कोई इंसान इनके सामने आ जाए तो उसकी क्या हालत हो जाएगी। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।